मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप लोगों का प्यार देख के मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरा भाई नहीं है, ये आपका भाई है, ये आपका बेटा है, ये आपका भतीजा है। ये आज से हमने, हमारे परिवार ने आपको दान कर दिया यार, दान कर दिया है। ये आप लोगों के लिए जिएगा और आप लोगों के लिए मरेगा। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, 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 इससे ज्यादा जिंदाबाद, जिंदाबाद, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, ये लड़ाई हक और इंसाफ की है। हक और इंसाफ के लिए कई बार कई लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जान की भी देनी पड़ती है, अपनी मुलाजमत की भी देनी पड़ती है। आज इसमें कोई कुर्बानी नहीं है। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, इसकी कुर्बानी जाया ना जाए, इसकी कुर्बानी जाया ना जाए। आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत प्यार दिया। बस यही कहते हुए मैं अपने अल्फाज बंद करूंगा कि डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यहाँ पे बैठी हुई मेरी माताएं बहनें, उनके बीच में मेरी माँ भी बैठी हुई है, जो रो रही है वो मेरी माँ है। ये कभी नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी छोड़ूं। बड़ी मेहनत से इन्होंने मुझे पढ़ा के इस लाइफ बनाया कि मैं कहीं डॉक्टर बनूं और डॉक्टर की कुर्सी पे बैठूं। मेरे बाप कोई अमीर आदमी नहीं था, वो पल्लेदारी की है उन्होंने, बोरियां उठाई हैं उन्होंने, लोगों का बोझा उठाया, और जो स्टेज पे बूढ़ा रो रहा है वो मेरा बाप है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं था नौकरी छोड़ने का, मैं भी नहीं चाहता था कि नौकरी छोड़ू। बड़े आराम से नौकरी चल रही थी, डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा था। इसके गवाह चंडीहार के लोग हैं। निकम्मी है जो सरकार, निकम्मी है जो सरकार, निकम्मी है जो सरकार, निकम्मी है। जय हिंद, जय भारत। You know, I'm not giving up.